आ जाओ। जेई मेन 2019 के क्वेश्चंस की सीरीज हम कर रहे हैं, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, रिएक्शन क्या है? ये एक थैलिक एनहाइड्राइड है जिसकी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से करवाई जा रही है AlCl3 की प्रेजेंस में फॉलोड बाई H2O करके। इन्होंने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना? इन चारों ऑप्शंस में से हमें देखना है कि सही आंसर क्या है। ये क्वेश्चन असल में फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन पर बेस्ड है, ठीक है ना? रिएक्शन का नाम क्या है जिस पर ये बेस्ड है? फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना? क्या होता है अगर मान लो हमने कोई एनहाइड्राइड लिया, राइट? अब ये जो एनहाइड्राइड है ये है थैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन अगर हम AlCl3 से करवा दें, AlCl3 से, तो AlCl3 बीइंग ए लुईस एसिड विल कोऑर्डिनेट विद द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन हियर, तो क्या बन जाएगा ये साहब? तब ये बन जाएगा ऐसे, यहां पर है O प्लस और AlCl3 माइनस, राइट? O प्लस तो लिविंग ग्रुप है, O प्लस तो निकलता है, तो अगर मान लो वो इधर से निकल गया, O प्लस इधर से निकल गया, तो उसके बाद ये बन जाएगा इस तरह का एक CO प्लस, ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और यहां AlCl3 माइनस जो है ये पड़ा हुआ ऐसे, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन पर अटैक करेगा, तो क्लोरोबेंजीन पर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, लेकिन वो कहां पर होगी? पैरा पोजिशन पर होगी। तो हमने क्लोरोबेंजीन को ऐसे लिखा है Cl नीचे करके ताकि पैरा पर अटैक करवा दे, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो यहां से ऐसे पैरा पर अटैक कर लेगा, यहां एक हाइड्रोजन पहले से है, तो जब ये पैरा पर अटैक कर लेगा बच्चों, तो ये क्या बना लेगा जरा देखना, मैं जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको एज इट इज लिख देता हूं, इलेक्ट्रोफाइल को एज इट इज लिख देता हूं ऐसे, यहां पर है COO जिस पर AlCl3 कोऑर्डिनेटेड है, और इधर पैरा पोजिशन पर, इधर क्लोरो के पैरा पोजिशन पर, क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजिशन पर यहां अटैक हो गया, ये प्लस है और ये जो है ऐसे डबल बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है ना? ये बन गया भाई। फिर क्या होगा? कोई भी एरोमेटिक सिस्टम अपनी एरोमेटिसिटी का लॉस करके ज्यादा देर नहीं रह सकता, ये तुरंत H प्लस को फायर करके, ये तुरंत H प्लस को यहां से फायर करके एरोमेटिसिटी को रिटेन करता है, और ये H प्लस जो यहां से निकला वो इसको COH बना लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि AlCl3 बाहर और ये बन गया, और अब ये बन गया यहां पर, तो ये बन गया COOH, और यहां पर ये पैरा पोजिशन पर बेंजीन, क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजिशन पर ये अटैक हो गया, ये दिस इज द प्रोडक्ट। तो एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है भाई? एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो आंसर सी में, आंसर सी में दिया हुआ, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, एनहाइड्राइड को हमने एसाइल कार्बोनियम आयन में या एसाइल कार्बोकेटाइन में बदल लिया, ये एसाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है, ये एसाइल कार्बोकेटाइन अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये एसआर रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, और क्लोरोबेंजीन के पैरा पर अटैक होगा क्योंकि क्लोरो जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है जिसमें पैरा मेजर होता है, ठीक है? इसने अटैक किया यहां पर, और उसके बाद ये कोई सिंपल इलेक्ट्रोफाइल जैसे क्लोरोबेंजीन के पैरा पर अटैक करता है वैसे अटैक करा लो, AlCl3 बाद में निकल जाएगा क्योंकि ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन को इनिशिएट करता है, रिएक्शन में पार्ट करता है, बट ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो सकता, ठीक है? समझ में आई बात? नोट करें।